तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, आज की मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ MIUI 11.0.1.0 से लेके 11.0.8.0 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक सभी को इतना अपडेट नहीं मिला है जितना कि मैंने आखिर में बोल दिया है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपको सभी को ये अपडेट मिलने वाला है। तो इस अपडेट कब मिलेगा, आपको कैसे मिलेगा, तो आइए इस वीडियो में जान लेते हैं। अगर दोस्तों चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल वाले आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम दोस्तों वीडियो को कर लेते हैं शुरू। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 4-5 फोन के डिवाइस के नाम लेने वाला हूं जिसको दोस्तों ये अपडेट मिलेगा। लेकिन दोस्तों, मैं ये भी बता दूं आपको किस डिवाइसेस को, मतलब कि ध्यान से सुनिएगा, आपकी स्क्रीन पे सारे डिवाइसेस के नेम आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दोस्तों रेडमी 7 के बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, रेडमी 7 के बारे में। एंड दोस्तों, आप सभी को पता है 2 महीने से इसे कोई भी अपडेट नहीं मिला था। लेकिन दोस्तों, हाल ही में कल इसको एक नया अपडेट मिल चुका है। कल यानी कि मतलब थोड़े दिन पहले इसको एक नया अपडेट मिल चुका है MIUI 11.0.3.0, जिसमें दोस्तों कुछ आपको इतना खास नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कुछ बग्स थे वो फिक्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक मतलब कि यहाँ पे दिसंबर का जो सिक्योरिटी पैच है आपको मिल चुका है। ठीक है ना यार दोस्तों, मतलब कि Redmi 7 मतलब ये ख़त्म हुआ है इसका मतलब कॉन्टेंट अभी। तो अभी दोस्तों मैं मेन बात करने वाला हूँ यहाँ पे Redmi Note 8 Pro के बारे में। जी हाँ दोस्तों, Redmi Note 8 Pro के बारे में बात करने वाला हूँ। अभी तक दोस्तों इसको कोई भी नया अपडेट देखने को नहीं मिला था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक नया अपडेट आ चुका है Redmi Note 8 Pro में, जो कि दोस्तों 11.0.4.0 है। तो अगर दोस्तों आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके इसे अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके यहाँ पे डिवाइस में आ चुका है इसका अपडेट। एंड दोस्तों, अभी मैं बात कर लेता हूँ Redmi Note 7 एंड Note 7 Pro के बारे में। जी हाँ दोस्तों, Note 7 Pro, Note 7, Note 7 ऐसे में दोस्तों यार आप सभी को पता है इसको भी 2-3 महीने से कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला था यहाँ पे। एंड यार यहाँ पे अपडेट देखने को नहीं मिला था, मतलब कि इसका जो लास्ट अपडेट था 11.0.6.0 ही था। लेकिन दोस्तों, मैं ये भी बता दूं आपको कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको एक नया अपडेट इसका मिलने वाला है, जो कि दोस्तों यार आपको यहाँ पे मिलेगा 11.0.8.0, जो कि दोस्तों एकदम लेटेस्ट है। अभी तक किसी को इतना बड़ा एंड्रॉइड वर्जन नहीं मिला है, मतलब कि MIUI 11 का। एंड दोस्तों, अभी मेन बात आ जाती है Redmi Note 8 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, Note 8 को अभी तक मैं आपको बता दूं यहाँ पे भी कोई भी अपडेट आपको देखने को नहीं मिला है। एंड दोस्तों, ये थोड़ी देर आपको लगेगी, यहाँ पे एक हफ्ता या 2 हफ्ता मिल लग सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे भी एक आपको नया अपडेट देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों, ये सभी अपडेट है जो दिसंबर के सिक्योरिटी पैच के हिसाब से आएंगे, मतलब कि आप सभी को यहाँ पे अपडेट मिलेगा। लेकिन मैं अब ये भी बता दूं, जिन जिन डिवाइसों को यहाँ पे नया नया अपडेट मिल चुका है, जैसे कि Redmi 7 एंड Redmi Note 8 Pro एंड जो Redmi 7 है, मतलब Note 7, Note 7 Pro, ऐसा कुछ जितने भी फोन्स को ये अपडेट मिला है, ये दोस्तों बीटा टेस्टर को ही मिला है। जी हाँ दोस्तों, अभी बीटा टेस्टर को मिला है, जो सबसे पहले टेस्टिंग में थे। तो ये टेस्टिंग पर्पस में अभी 10% के यूजर्स को भी देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, 10% के यूजर को देखने को मिला है। बाकी दोस्तों, आपको यार एक स्टेबल अपडेट दिया जाएगा, वो दोस्तों आपको दिया जाएगा एक या 2 हफ्ते के बीच में। तो आपको यहाँ पे वेट करना होगा अगर आपको ये अपडेट नहीं मिला है। तो बाकी दोस्तों, अगर आप एक बीटा टेस्टर में हो तो आपको यहाँ पे जल्दी अपडेट देखने को मिलेगा। तो मुझे तो दोस्तों मिल चुका है, क्योंकि मैं पहले से इसमें बीटा में था। तो ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा स्टेबल अपडेट है, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इसे यूज करने में। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं।